फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रामीण डाक सेवा एप्लीकेंट के लिए। तो इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का जो वीडियो आएगा आपके तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा, एंड हो सके तो इस वीडियो एक बार आप पूरा देख लीजिए। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा एप्लीकेंट बहुत सारे ऐसा फ्रेंड है जो मेरे से पूछा, अलाउंसेस जो है वो एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्चुअल में कितना रुपए आपका सैलरी में ऐड होगा। तो ये सभी को लेकर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, हो सके तो इस वीडियो आप पर पूरा अब देख लीजिए। चलिए, तो अलाउंसेस जो होगा, पहले जो अलाउंसेस आपको मिलने वाला है डीआरएनएस अलाउंसेस, ये सभी जॉब के लिए एक बहुत ही खास अलाउंसेस होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा होता है। देखिए, ये मैं पहले वीडियो में बोल चुका, 136% ये आपका रिसेंट पे कमीशन वाइज आपका मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो एक मेन बात है, डीडीएस शुड बी पेड सेम परसेंटेज आपको मिलेगा डीए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को जो मिलता है टाइम टू टाइम मतलब जितना बार भी आपका डीए बढ़ेगा आपको सेम डीए मिलेगा इस डीडीएस का जॉब में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉम्पोजिट अलाउंसेस, तो कॉम्पोजिट अलाउंसेस जो होगा ये 800 से लेकर 1000 मैंने बोला था, ये तो होगा ही, 12,000 तक भी, सॉरी 1200 तक भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करेगा आपका पोस्ट के ऊपर, ब्रांच कौन सा ब्रांच पे आपको, तो इसीलिए ये रेंज आप मान लीजिए, इस रेंज के अंदर ही आपको मिलेगा, ये पर मंथ मिलेगा आपको। अच्छा, कॉम्पोजिट अलाउंसेस क्या होता है, कॉम्पोजिट अलाउंसेस मतलब, कॉम्पोजिट का मतलब बहुत सारे चीज इकट्ठा। तो कॉम्पोजिट अलाउंसेस जो होगा ये क्या क्या कंप्रेस करेगा, ये आपका हायरिंग एकोमोडेशन फॉर डीडीएस पोस्ट ऑफिस एज ए मैंडेटरी रेसिडेंस, ओके, ऑफिस मेंटेनेंस, मोबाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह वगैरह। देखिए, ये फर्स्ट टाइम आपको ये जो अलाउंसेस है ये आपको मतलब अप्लाई किया है, जो कमेटी पास हुआ है उस कमेटी के अनुसार। तो देखिए, ये आपके लिए एक बहुत ही एडवांटेज है, लोग बोल रहे थे कि सैलरी इतना खास नहीं होगा, तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा ऐड है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कैश कंपोजिट अलाउंस, ये तो हो गया कैश कन्वेंस अलाउंस, जो आप कैश कन्वे करोगे उसके ऊपर भी आपका एक जो अलग से आपका मनी मिलना होगा। देखिए, कैश एक जगह से आप दूसरे जगह कन्वे करोगे उस लिए आपको 50 rupees पर मंथ आपको मिलने वाला है, 50 rupees पर मंथ। अच्छा, इसके बाद कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपके समझ में नहीं आए, तो इसके बारे में मैं ये दो मतलब ऑप्शन में बटे हुए हैं। देखिए, एक होता है डिलीवरी ड्यूटी, आपको डिलीवरी किसी भी चीज डिलीवरी करने के लिए आपको ड्यूटी मिल जाएगा, और एक बैक कन्वेंस, बैक अगर आप एक जगह कन्वे करोगे ले जाओगे उसी के लिए आपका एक ड्यूटी आपको दिया जाएगा। तो पहले बोलता हूं मैं डिलीवरी के लिए, ये कस्बा विलेज में 250 rupees पर मंथ, और अदर देन कस्बा विलेज आपको 500 rupees पर मंथ मिलने वाला है। बैक कन्वेंस के लिए एसओ एओ टू बीओ मतलब सब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ब्रांच ऑफिस में अगर आप ले जाओगे तो इसमें आपका 500 पर मंथ मिलने वाला है, और आपका जो अलग से एक है रोड पॉइंट एमएमएस, इसमें 250 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ये भी एक बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन उनके लिए जिसके चिल्ड्रेन है, ओके, लेकिन ये पर एनम है, 6,000 पर एनम, हर साल आपको 6,000 rupees मिलने वाला है, ये आपका अगर पर चिल्ड्रेन पर है ना, मतलब एक चिल्ड्रेन के लिए 6,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, टू चिल्ड्रेन के बाद ये चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया था कि 6,000 जो है दो बच्चों के लिए आपका 6,000 तक दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अब मान लीजिए 6,000 पर चिल्ड्रेन पर है ना, ठीक है, इसका मतलब अब चलिए। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू लिंक्ड अलाउंस फॉर एलिजिबल बीपीएम, देखिए ये जो बात है,
ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए स्टेप, इसीलिए मैंने इसके अलाउंसेस नहीं दिया है, ठीक है। ये आपका ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए होगा, लेकिन ये रेवेन्यू के ऊपर होगा, आपका सैलरी कितना है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिपेंड करेगा, ये पूरा ही डिपेंड करेगा, इसमें कोई भी आपका फिक्स मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिक्स और हार्डशिप बैलेंस, ये आपको 500 पर मंथ मिलने वाला है। आप जो भी पोस्ट में, पैकर में भी हो, बीपीएम में हो, चाहे किसी में भी हो, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव, परफॉर्मेंस ये आपका एक बहुत ही अच्छा ऐड है, ये सब में नहीं रहता है, क्योंकि इसका ऐड इसलिए है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा आपको, ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड थोड़ा बहुत है, वो दूसरा वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जो भी है, रेवेन्यू लिंक टैलेंस अलोंग विद द परसेंट सिस्टम ऑफ इंसेंटिव विद ऑटोमेटिक पेमेंट, अच्छा ये हर मंथ के एंड में आपको ऑटोमेटिकली एक मनी ऐड हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस के बेस पर। अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा महीने में एक अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। अच्छा खासा मतलब जीडीएस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरा जॉब के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। आप इसके दूसरा जॉब के साथ कंपेयर भी मत करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन है, वो 10th पास है, तो इसीलिए आप इसी के तरह इसको देखो, ठीक है। तो जो भी है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, आपको जो अलाउंस को लेकर आपका जो कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो जाएगा। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड द अपकमिंग वीडियो, ओके।